सतारगंज के नकुलिया गांव के रहने वाले एक 16 वर्षीय किशोर सूरज को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसके परिजन उसको हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल लेके आए, जहां इलाज के दौरान सूरज की मौत हो गई। आपको बता दें, किशोर के परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि सूरज रात में अपने घर के पास ही जानवरों के लिए चारा काटने गया था। इस दौरान सांप ने उसकी उंगली में काट लिया। आनन फानन में सूरज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। ये शाम को जानवरों के लिए चारा लेने गया था, लाकर आकर शाम को ही नहा धोकर लेट गया छत में। तो उसके बाद रात को इसको कुछ बेहोशी महसूस हुई, तो घर वालों परिजनों ने इसको कहीं सितारगंज दिखाया, कहीं झाड़ फूक भी दिखाया। उसके बाद फिर इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं लेकर गए थे, तो उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल भेजने के लिए कहा। तो वहाँ डॉक्टर्स ने इनको सुशीला तिवारी के लिए रेफ़र किया। मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा था कि सांप ने काटा है, क्या स्थिति है करके। तो सुशीला तिवारी लेकर गए, आज सुबह तक ट्रीटमेंट इनका चलता रहा। तो आज शाम को करीब 2-3 बजे के आसपास लड़की की डेथ हो गई। वहाँ पर विभाग की तरफ से आए थे, यहाँ पर ऑफिसर्स आए थे, कुछ अपनी रिपोर्ट वगैरह लेकर गए हैं यहाँ पर जांच पड़ताल करके। शासन प्रशासन है जो मैं गाँव वालों की तरफ से एक अनुरोध करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि कुछ मुआवजा अगर परिवार को मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी आर्थिक स्थिति कमजोर है परिवार की। तो यही अनुरोध है गांव की तरफ से, गांव की तरफ से काम करके उधर से चारा भी लाया। चारा ला के छत पर थक गया था, सो गया। उस छत पर मतलब पीछे पेड़ है, पेड़ से सांप चढ़ के और काट दिया। तो उसको नहीं पता चला, ना हमको पता चला। हम ले गए सितारगंज प्राइवेट में, प्राइवेट में ले गए तो हमने कहा कहीं हवा हवा का चक्कर है। तो उसने झाड़ फूक कर दिया, कहा जो ले जाओ सरकारी में। हमने कहा कोई अच्छा डॉक्टर है प्राइवेट का तो बताइए। लड़का हमारा बिल्कुल लूज हो गया था, तो हम प्राइवेट में ले गए। प्राइवेट का डॉक्टर अभी 2 घंटे के बाद आता, तो उन्होंने बोला नर्स ने जैसा है तब तक सरकारी में ले जाओ। फिर हम सरकारी में ले गए सितारगंज, सरकारी में ले गए। उसके बाद ऑक्सीजन लगाया हमारे लड़के को, और पर्ची हमने कटवा के लाए, उस पर उसने रिफाई कर दिया सुशीला तिवारी के लिए। फिर हम सुशीला तिवारी ले गए, तो हमें पता नहीं था सांप मुंह से झाग निकल रहा था यहीं से, हमें पता नहीं था। तो ना किसी डॉक्टर ने हमको बताया सांप तुम्हारे लड़के को काटा है, ठीक है। हम ले चले गए वहाँ सुशीला तिवारी में ले गए, तो वहाँ हमने भर्ती करवाया लड़के को। तो वो मतलब कि ऐसे ही इलाज करने लगे, इलाज करते करते काफ़ी समय बीत गया। तब तक तो उसके बाद हमारे घर से